आपके वहाँ छापते नहीं हैं, इस बार आपके वहाँ छपा था। हमारे शहर गोरखपुर का गौरव है कि प्रेमचंद जी जैसा महान कथाकार, जिसे शरद चंद जी जैसे बड़े साहित्यकार ने कभी उपन्यास सम्राट कहा था, गोरखपुर से वास्ता रखते थे। अपनी जिंदगी में गोरखपुर में दो बार उनका आना हुआ था। एक अपने पिताजी के साथ वे 1892 में गोरखपुर आए थे और यहाँ की रावत पाठशाला में विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया था उन्होंने महान शायर फिराक साहब के साथ। कालांतर में फिर वे शिक्षक होकर नॉर्मल स्कूल में 1916 में आए थे और 21 तक यहाँ उन्होंने काम किया था। इस दौरान उन्होंने अपने निवास, जिसको आज हम प्रेमचंद संस्थान के नाम से, स्मारक के नाम से जानते हैं, जिस कुटिया में वो रहा करते थे, उस कुटिया के बगल में ईदगाह का मेला लगता था। एक बहुत जानदार मस्जिद है वहाँ। उस मस्जिद के कैंपस में लगने वाले मेले से हमको ऐसा लगता है, और हमारे नगर के पुराने साहित्यकार भी इस बात को दोहराते हैं, कि उससे प्रभावित होकर उन्होंने ईदगाह नाम की कहानी को गोरखपुर में ही आकार दिया था। और वो विश्व प्रसिद्ध कहानी हमारे गोरखपुर की ज़मीन पर ईदगाह के मैदान को आधार बनाकर लिखी गई थी, जो हमारे गोरखपुर को बहुत गौरवान्वित करती है और साहित्य की दुनिया में ज़्यादा प्रतिष्ठा देती है। गोरखपुर में दो बार प्रेमचंद का आना, और उर्दू से हिंदी में भी उनका आगमन गोरखपुर की ही ज़मीन पर हुआ था, और ये काम महावीर प्रसाद पोद्दार ने किया था। पहले वो उर्दू में लिखा करते थे, पर महावीर प्रसाद पोद्दार जो उनके प्रकाशक थे और जिनसे उनकी मैत्री थी, उनका अनुरोध मानकर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था, और हिंदी के एक महान साहित्यकार के रूप में प्रेमचंद की जो प्रतिष्ठा मिली, उससे दुनिया आज पूरी तरह वाकिफ है। प्रेमचंद को प्रेमचंद बनाने में गोरखपुर की भी भूमिका रही है। ऐसा कहते हुए सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मैं गोरखपुर का हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेमचंद दो मरतबा गोरखपुर में आए। पहली बार वो तब आए जब वो विद्यार्थी थे। ज़ाहिर तौर पे किसी भी व्यक्ति की मूल्य मान्यताएँ जो बनने का सिलसिला होता है, वो उसके विद्यार्थी जीवन का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो गोरखपुर में रहने के दौरान ही अगर आप प्रेमचंद की राइटिंग्स में जाएँ तो पता चलता है कि पहली कहानी जो छपी नहीं वो उन्होंने गोरखपुर में लिखी। और एक दुकान का जिक्र करते हैं, एग्जैक्टली तो मुझे इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है, कि वो दुकान गोरखपुर में रेती चौक से नखास वाले रास्ते पर एक कोई किताब की दुकान थी, जहां वो अक्सर जाके बैठते थे, और दुकानदार से धीरे धीरे उनकी एक परिचय, एक दोस्ताना संबंध हो गए, और वो उनको पढ़ने के लिए किताबें
दे देता था। तो प्रायः स्कूल से निकलने के बाद वो अपना ज़्यादा वक्त खुद हामिद के रूप में उस कहानी में उपस्थित है, क्योंकि हर रचनाकार अपने कहानी, कविता, उपन्यास में साइलेंट रूप में वह उपस्थित रहता है। वह हामिद के रूप में प्रेमचंद वहाँ उपस्थित है, और हामिद के एक उदात्त चरित्र को ईदगाह कहानी में उन्होंने प्रस्तुत किया है। ईदगाह का वैसे तो प्रेमचंद एक तरह से जो आज के दौर में जो सांप्रदायिकता का दौर देखा जा रहा है या चल रहा है, उस सांप्रदायिकता के दौर में प्रेमचंद एक ऐसे लेखक के रूप में हिंदी साहित्य ही नहीं पूरे विश्व के साहित्य में ऐसे रूप में उपस्थित होते हैं जिनको हम एक औजार के रूप में, पूंजी के रूप में प्रेमचंद के साहित्य से देख सकते हैं। और ईदगाह कहानी इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। सर, प्रेमचंद जी का जन्म भले ही लम्हे में हुआ हो, लेकिन वो 3 महीने की अवस्था में ही यहीं पर चले आए थे। पहाड़पुर एक मोहल्ला था, उसी मोहल्ले में उनका पैतृक निवास था। पिताजी मुंशी अजायब लाल जी उस ऑफिस में काम करते थे। तो कुछ ही दिनों के बाद में जब वो बड़े हुए तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं रावत पाठशाले से हुई। उसके तुरंत बाद में कुछ इधर उधर पिताजी जब जाने लगे कहीं पर, तो थोड़े दिन के लिए ज़रूर गए, लेकिन पहली नौकरी भी उनकी गोरखपुर में ही मिली। फिर उनका पहला पुत्र भी यहीं गोरखपुर में पैदा हुआ, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी गोरखपुर में ही हुए। और इन सब के साथ उनका एक अलग तरह का गोरखपुर से लगाव था। उनकी सारी कहानियां तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश कहानियां यहीं ईदगाह के आसपास जो पूरा नारवल स्कूल का क्षेत्र था वहीं पर लिखी गई हैं। कनकौआ, फिर ईदगाह, फिर बूढ़ी का की, इस तरह से तमाम कहानियां लिखी गई। गुल्ली डंडा, ये रामलीला, और ये जो आपका नमक का दारोगा, ये सारी कहानियां यहीं इसी गोरखपुर की देन है, और इसी नारवल स्कूल में बैठ करके उन्होंने लिखा। एक बड़ी अच्छी बात हुई जब उनसे पूछा गया कि आपको लिखने के लिए किस तरह की कलम की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह के कागज की, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। कलम ऐसी होए जिसकी नोक न टूटी होए, और कागज ऐसा होए जिस पर कुछ पहले से लिखा ना होए, साफ सुथरा थोड़ा रहे तो और अच्छा है। तो इस तरह की सादगी उनके अंदर थी। आज का जो नारवल स्कूल है वही पूरा का पूरा खुला हुआ मैदान था, चारों तरफ से तमाम जंगली पेड़ पौधे थे। इस तरह का स्वरूप नहीं था जो आज का स्वरूप हो गया है। कई जगह कुएं थे, उसी कुआं पर बैठ करके लोग जुटते थे, और आश्चर्य होता है कि हिंदी उर्दू का एक संगम सा बन जाता था। एक तरफ गोरख प्रसाद इब्रत फिराक साहब के पिताजी आते थे, एक तरफ मन्नन द्विवेदी जी बैठते थे, एक तरफ प्रेमचंद जी बैठते थे, यहीं जो है वो हुक्का जाता था यहीं से, गयादीन साहू के यहाँ से काले रंग का तंबाकू होता था जिसका इस्तेमाल लोग करते थे। और सब लोगों के बीच में एक आपसी भाईचारगी का जो माहौल था हिंदी उर्दू के बीच का, वो देखने लायक था। और यहीं पर बैठ करके जब ईदगाह लिखा गया तो ईदगाह का चित्र जो भी पढ़ेगा वो अपने आप चित्रित हो जाएगा, कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखने पर आपको खुद लग जाएगा। आज भी उस तरह का मेले जैसा स्वरूप आज भी लगा रहता है। भीड़ उसी तरह की होती है, उसी तरह से सामान बिकते हैं, जिस तरह से हामिद बेचारा आता है और चिमटा खरीद करके ले जाता है अपने दादी के लिए, वो माहौल है। यह गोरखपुरियत की एक अलग पहचान ही है। गौतम गोरख, कबीर और फिराक, ये 4 पिलर्स हैं जिन पर गोरखपुरियत टिका हुआ है, और 4 के चारों जो हैं आपसी सद्भाव के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ होगी, जो जानता है वो ढंग से जानता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदू मुसलमानों के बीच दरार डालने की भरसक कोशिश की गई, ज़बरदस्त प्रयास किया गया, मंदिर पर गोमांस फेंका गया और सूअर का मांस फेंका गया मस्जिद पर, लेकिन लाख चाहने पर अंग्रेज दंगा फसाद गोरखपुर में नहीं करा पाए। ये सारी देन इसी तरह के साहित्यिक गोष्ठियों की रही है,
इसी तरह के माहौल की रही है, एक गंगा जमुनी तहजीब की रही है, जो गोरखपुर की अपनी पहचान है, जो प्रेमचंद जी की पहचान है, जो प्रेमचंद को बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये पहले उर्दू में लिखना शुरू किया, बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया और सोजे वतन के बाद से जब समस्या शुरू हो गई इनके साथ में, वार्निंग मिलने लगा सरकार की तरफ से, तो ये हिंदी में लिखने लगे और प्रेमचंद नाम से लिखने लगे।